गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं आज सुबह की सवेरे की क्या है खास खबर। बिहार के सुपौल में खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं किसान, सड़क पे उतर गए, हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया और बोले कि 10 दिनों से डीएपी नहीं मिल रहा, मिली भगत से हो रही है कालाबाजारी, जनता है परेशान, आखिर जरूरत के खाद उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेल दिया है। आपको बता दें कि जहां विपक्ष ने जातीय जनगणना को लेकर हंगामा किया था, तो वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी और इस तरह सर्वदलीय बैठक बुलाकर यह जनगणना संपन्न होगी, और विपक्ष के मुंह पे जड़ दिया ताला। CBSE बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, जी हाँ, बिहार पुलिस सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है। आप इसे CBSE बिहार पुलिस के साइट पे जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। बिहार में उस समय एक अजीब सा मामला जब सामने आया तो लोग चौंक गए। आपको बता दें, एक महिला थाने में रोते हुए आई और बोली कि मैं अमिताभ बच्चन की बेटी हूँ। जब पुलिस ने पूछा कौन अमिताभ बच्चन, तो उन्होंने कहा जो कौन बनेगा करोड़पति, जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति वाले मेरे पिता हैं। यह पूरा मामला आरा के टाउन थाना में देखने को मिला। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी खुद को बताकर थाने में रोकते बिलकते पहुंच गई महिला और फिर चर्चा का कारण भी बन गई। बिहार में बेखौफ बदमाश ने कोचिंग संचालक पर बम फेंक दिया, बाल बाल बची जान। बता दें, भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने कोचिंग संचालक के सामने बम फेंक दिया, जिसके बाद वह बाल बाल बच गए। विस्फोट की आवाज़ सुन लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े, तब तक में अपराधी फरार हो चुके थे। तो ये थी सुबह सवेरे की कुछ बड़ी खबरें। अगली सुबह फिर हम आएंगे और लेकर आएंगे कुछ खास बड़ी खबरें।